सपना देखा था और आज वो सपना पूरा होने वाला है। ये उमंग का प्रतीक है, ये उत्साह का प्रतीक है, ये अपने विकास का प्रतीक है, ये बदलता भारत है। और इस बदलते भारत के साथ आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ वंदे भारत में, जिसका ट्रेन नंबर है 01829 दुर्ग विशाखापट्टनम, जो अभी रायपुर से इनॉग्रेट होगी। और ये रायपुर विशाखापट्टनम इनॉग्रेशन ट्रेन जर्नी है। अब मैं दिखाता हूँ कि हमारे नई नवेली सैफ्रॉन लिवरी वंदे भारत को कैसे सजाया गया है। चलिए देखते हैं। इधर आप देख सकते हैं इस इनॉग्रेशन में स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, इधर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं, इधर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एसोसिएशन। यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स का आगमन हो रहा है। अब यहाँ वीआईपी गेस्ट एंड ऑफिशियल लोगों के आगमन होने लगे हैं। इस ट्रेन की खासियत के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आपके सामने छत्तीसगढ़ की सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस। एट दिस टाइम मैं हूँ रायपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 में। रायपुर जंक्शन के भी बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, स्टेशन कोड है यार, टोटल प्लेटफॉर्म है 7 और जिसमें प्लेटफॉर्म 1 में एक 1A भी है। और आज एक इनॉग्रेशन जर्नी है। सो यहाँ पे जो भी लोग हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर से लेके वीआईपी से लेके रेलवे के हर लोग आज यहाँ प्रेजेंट है। सर आपका नाम जानना चाहता हूँ। रणवीर नायक नाम है। सर आपको कैसा लग रहा है जब वंदे भारत छत्तीसगढ़ की सेकेंड वंदे भारत चलने वाली है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबको सुविधा मिलने वाला है इस वंदे भारत से। दुर्ग से जो विशाखापट्टनम जाने वाली है उसके लिए सभी यात्रियों को शुभकामनाएं हैं। और बहुत अच्छे से जब प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी ने ये काम अच्छे से करवा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। लास्टली हमें मिल चुका है अपना सोवरेन पास। नाउ इट्स टाइम टू शो यू द
इंटीरियर ऑफ आवर सैफ्रॉन लिवरी न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस। अगर आप देख सकते हैं सबके सब रेल फैंस इस कोच में आ चुके हैं और गेट बंद हो चुका है। नाउ वॉच द डिपार्चर फ्रॉम रायपुर जंक्शन। वाहे गुरु जी का खालसा। भारत माता की जय। भारत के प्राइम मिनिस्टर की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन रेलवे जिंदाबाद। इंडियन रेलवे जिंदाबाद। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिंदाबाद। एसईसीआर रेल फैंस जिंदाबाद। ये देखिए रिएक्शन। ये देखिए सर और पूरा बस्ती हंड्रेड वन हंड्रेड वन नेक्स्ट स्टॉप
रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बहुत साल से ऐसी ट्रेन जर्नी शुरू होते ही हमें मिला है हाफ लीटर का रेल नीर और ट्रेन एकदम फ्लैट 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन चल रही है। स्टेशन आ गया स्टेशन ये है आरंग महानदी चैतन्य भाई पास सुनना जो बोलेंगे ये फ्रीज ट्रेन है महानदी अरपा पैरी के धार महानदी के पार अरपा पैरी के धार महानदी के पार महानदी रिवर महासमुंद पहुंचने से पहले ही हमें वंदे भारत की तरफ से मिला है अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग और ये करेंगे मेरे भाई तो बताइए क्या क्या है इसमें। इसके अंदर है पहले एक नमकीन है एक खट्टा मीठा रोटी चौकी मिला है एक कचौड़ी है एक जूस है और एक ये सैंडविच दिया गया है और स्पेशल है काजू कतली। ये सब जितने भी खाने हैं ये सिर्फ इनॉग्रेशन स्पेशल है कमर्शियल का हमें नहीं मालूम है कमर्शियल। महासमुंद में बहुत लोगों का उतरने जा रहे हैं और यहाँ से महासमुंद से जो जो रेल फैन उतर रहे हैं उनके लिए रेलवे द्वारा व्यवस्था की गई है हसदेव की रैक आने वाली महासमुंद से और यहाँ से बहुत लोग आपका रायपुर चल जाएंगे। ये महासमुंद का है रायपुर ये क्रेज है वंदे भारत का इसी तरह प्रवीण मिश्रा जी महासमुंद क्रेज आप देखिए महासमुंद बोल रहे मेरी जर्नी यहीं तक थी अब मैं आगे नहीं जाना चाहता। इधर से हो रहा है डिपार्चर फ्रॉम महासमुंद बट आप ये देखिए C5 का कंडीशन बाहर ये अनाउंसमेंट हुआ कि C5 में चढ़ गई लेकिन C5 में गलत अनाउंसमेंट यहाँ पे मीडिया का कोच है मीडिया का कोच इसमें बेटा।
इस महासमुंद में देख सकते हो भाई आप, सब रिकॉर्डिंग चालू एकदम। अब आपको ट्रेन में का बाथरूम भी दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा बायो टॉयलेट के ऊपर है, बट स्पेस जो बोलते हैं टॉयलेट का वो बहुत बढ़िया है। सो चलते हैं आगे। ये दो नया आइडिया हो रहा है संगम, और ये है बॉर्डर बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इधर अच्छा नजारा है, इधर का जो गार्डन वगैरह। ये अब हम लोग एंटर हो गए उड़ीसा में। पहला स्टेशन को तो रेलवे जोन का देखिए, यहाँ सामान देखता हूँ तो नहीं हो जाएगा फिर से। नहीं वो ऐसा सीन है, अरे यार दो मिनट के लिए नीचे उतरे थे। ये रहा हो रहा है, खुल रहा है, और जल्दी। हम लोग पहुंच चुके हैं उड़ीसा का फर्स्ट स्टॉप जो है खरियार रोड, जिसका स्टेशन कोड है KRAR, और ये हमारा ऑफिशियल कमर्शियल ट्रेन चलेगा तो थर्ड ऑफिशियल हॉल्ट होगा। ये देखिए ऑरेंज सैफ्रॉन। हम लोग दो मिनट का स्टॉपेज है तो मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं सीधा जा रहा हूँ। इधर ट्रेन देखिए, मैं डायरेक्ट आ गया हूँ अपने कोच में। साइड में स्टूडेंट्स यहाँ से हो रहा है डिपार्चर हमारा खरियार रोड का, ईस्ट कोस्टल रेलवे जोन का फर्स्ट हॉल्ट है खरियार रोड। सो हो रहा है डिपार्चर, से डिपार्चर, और इधर देखिए क्रेज वंदे भारत का क्रेज देखो। ये उड़ीसा की फोर्थ वंदे भारत। अब किट लाकर आ रही है, ये अराइवल हो रहा है टिटलागर जंक्शन में, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं उड़ीसा का थर्ड स्टॉप। अभी ट्रेन हमारे पहुंच रही है, टिटलागर पहुंच चुके हैं। मैं अभी नीचे नहीं उतरा क्योंकि बहुत भीड़ की वजह से, और बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक डोर्स का भी ध्यान रखना होगा, इसी कारण मैं अभी कोच में हूँ। कोशिश करूंगा उतरने का। स्टेशन कोड के बारे में बात कर देता हूँ, TIA, और आप अभी कोच देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट खाली हो। समुद्र के बाद से आप टिटलागर में वंदे भारत में लगभग कुछ ही लोग बचे, वो भी रेल फैंस। और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और क्या बताएंगे महासमुंद और टिटलागर के बीच का जो कार्यक्रम? जर्नी तो बहुत बढ़िया था, भीड़ भी बहुत अच्छा था, बस जाके कुछ लग रहा है बंदे कि महासमुंद से टिटलागर के बीच का टाइम में क्या बोले, टिटलागर आके सांस लिया हूं। जगह थोड़ा व्यू देखा दीजिए, हमारे केवल भारतवासी को कम ना समझे, हम वंदे भारत को जनरल बनाने में सक्षम हैं। नॉट फॉर बिगिनर्स। अब आपको कुछ वंदे भारत के साइलेंट फीचर्स के बारे में बता दूं मैं। ये है सीसी कोच, जिसका होता है 3:2 रेशियो में रहता है। ये आपको लगेज रखने का जगह मिलता है, और यहाँ पे हमें लाइट बल्ब मिलता है, जो इसे ऐसे आप क्लिक जब करेंगे रीडिंग बल्ब तो ये ऑन हो जाएगा, और इसे ऐसे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और आप बहुत लोगों का डाउट रहेगा कि चार्जिंग कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँ सीट के अंदर ये आपका चार्जिंग पॉइंट, और आपको यहाँ पे खाने का मिलेगा लाइक दिस। आपको इधर पानी रखने का जगह, और इधर पे
लेग स्पेस लगे है, तो इसे अगर बढ़ाना है तो ऊपर कीजिए और पूरा आप यहाँ पर आराम से कर सकते। कुछ साइलेंट फीचर्स है वंदे भारत, तो आप जब भी प्लान करें इस ट्रेन में तो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस ट्रेन जर्नी करने का। इधर आप देख सकते हैं कॉमेडी को अभिजीत सिंह का सब लोग वंदे भारत में बोर्ड कर चुके हैं। क्या नर्स केसिंग का इसके बाद रायगढ़ अभी कहाँ उड़ीसा में ही है ना, रायगढ़ लास्ट उड़ीसा में। अच्छा आप क्रेज देख सकते हैं अभी भी रात में आए इस ट्रेन को देखने के लिए। आप देखिए ये क्रेज वंदे भारत का, ये एक फेस्टिवल है जो जिसको ये चांस मिलता है उसके लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन जाए। बट आप क्रेज देखिए डिपार्टिंग किसिंग ये क्या क्रेज है। रायगढ़ आने से पहले हमें मिल चुका है वंदे भारत की तरफ से रात का खाना राइट, और ये आपको बिरयानी, एक गुलाब जामुन, चॉकलेट और अचार दिया गया है और क्लासिक दही दिया गया है। अब ये वैरी कर जाएगा ये क्योंकि इनॉग्रेशन जर्नी है, कमर्शियल का अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये इनॉग्रल जर्नी है। बिरयानी देखने से तो बहुत ही मस्त दिख रहा है, ये गुलाब जामुन है, ये अचार है, एक चॉकलेट है जो चॉकलेट को एक तरफ करता हूँ और आपके साथ दही मिला है। हो चुके रायगढ़, ये देखिए क्या वंदे भारत दिख रही है, ये है वंदे भारत और हमारे साथ अविनाश भाई यही रायगढ़ तक सफर समाप्त कर। कुछ रायगढ़ के बाद रायगढ़ बहुत अच्छा सिटी है, बॉर्डर ही है, यहाँ से उड़ीसा का जो है खत्म हो जाता है, उड़ीसा का आखिरी शहर है। ओके, मतलब आप आंध्र प्रदेश का गया? नहीं, यहाँ से आंध्र प्रदेश लगते हैं इसके बाद। ओके ओके, मेरा सफर एक बार खत्म हो रहा है, मजबूरी है मेरे ऊपर किया सर, बहुत आपके साथ यही है वंदे भारत। ये हो गया 127 kmph वंदे भारत अभी अपने टॉप स्पीड में, पहली बार अपने टॉप स्पीड में 48 किलोमीटर पर आवर। विजयनगरम से विशाखापट्टनम के बीच ट्रेन अपनी टॉप स्पीड में जो है 130 kmph किलोमीटर पर आवर, बट अब स्लो। लास्ट 3 किलोमीटर की भी कम ट्रेन जर्नी बची हुई है, अब हम लोग की ट्रेन 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सेलरेशन हो रही है। लास्टली हम लोग पहुंच चुके अपने डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम में, ये वंदे भारत की इनॉग्रेशन ट्रेन जर्नी विशाखापट्टनम में होती है और हम ये ट्रेन जर्नी हमेशा के लिए याद रखिए, मेमोरी बना दी है।
भारत, अगर आपको मौका मिले तो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आपको ऑलमोस्ट 8 आवर्स में दुर्ग से लेके विशाखापट्टनम तक लेके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जर्नी खत्म, थ्री डे, और हम लोग पहुंच चुके छत्तीसगढ़ से आप आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। फर्स्ट टाइम में मैं विशाखापट्टनम में, तो थोड़ा सा आपको बता देना स्टेशन कोड BSKP उधर प्लेटफॉर्म से ही, और देखते क्या क्या घूमने लायक जगह है। ये बदलता भारत है, ये भारतीय रेल है, ये हमारे वंदे भारत। अब ट्रेन्स के कमर्शियल, ट्रेन की टाइमिंग और ट्रेन का नंबर मैं आपको बता दूं। ट्रेन नंबर 20829 दुर्ग से चल के विशाखापट्टनम वंदे भारत चलेगी, और इसका रिटर्निंग ट्रेन नंबर है 20830। अब ट्रेन्स की टाइमिंग के बारे में बात करूं, दुर्ग से चलेगी 5:45 AM में और विशाखापट्टनम पहुंच जाएगी 1:45 PM में, और फिर वो विशाखापट्टनम से 2:50 PM में चलेगी और दुर्ग 3:00 PM में पहुंच जाएगी। और ये ट्रेन गुरुवार को थर्सडे के दिन नहीं चलेगी, और टोटल इतने देर में ट्रेन 566 किलोमीटर की जर्नी कवर करेगी।